मुंबई के चूना भट्टी स्थित सोमैया मैदान में सोहेलदेव राजभर समाज पार्टी द्वारा आयोजित भागीदारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। सभा में पूरे महाराष्ट्र भर से लोग मौजूद थे, जिसमें कार्यकर्ताओं का भरपूर जोश देखने को मिला। साथ ही चूना भट्टी सोमैया मैदान में सुभाषपा के झंडों से पीलामय हो गया। कार्यक्रम के संचलन शुरू होने से पहले कैबिनेट मंत्री समेत मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर, सुभाषपा के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर राजभर, भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद्र प्रजापति, राजू पांडे, पंकज पांडे, रामजी विश्वकर्मा, बच्चूलाल कनौजिया, सीपी प्रजापति, हरिओम निषाद, ओम प्रकाश पाल, अवधेश मौर्य समेत हजारों कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पार्टी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए पहला कार्यक्रम यहाँ श्रद्धांजलि का है और दूसरा कार्यक्रम भागीदारी आंदोलन मंच और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का के नेतृत्व में महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती का कार्यक्रम। और हर पार्टी अपना अपना जनाधार अलग अलग प्रदेशों में फैला रही है, उसी कड़ी में हम लोग भी यहाँ आए हुए हैं और कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पार्टी का संगठन यहाँ भी खड़ा हो। जो हमारे फौजी भाई है जो शहीद हो चुके हैं और पूरे देश में जो जोश देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है इसका बदला पाकिस्तानियों से किस तरह से लिया जाएगा? और जिस तरह से सभी पार्टियों से बात की जा रही है, सभी का यही कहना है कि हर सब पार्टियां एक साथ मिलकर इसका बदला लेगी पाकिस्तान से। देखिए, पूरा देश गुस्से में है, शोक भी है, गुस्सा भी है। पूरा देश, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, हर वर्ग यही चाहता है कि पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब तत्काल दिया जाए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भी लोगों की सोच ये है। ओम प्रकाश जी, शिवसेना प्रमुख से आपकी मुलाकात हुई है, प्रयास लगाए जा रहे हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में आप आए हैं यूपी की राजनीति से, तो जन को लेके है, राजनीति को लेके है ये महज एक मुलाकात? देखिए, यूपी और बिहार के लोग बॉम्बे में रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं और तमाम नेता नफरत पैदा करके, भय व्याप्त करके इनको डरवाते रहते हैं। तो आज हमने माननीय उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात किया है, उनको भी जरूरत है, हमको भी जरूरत है, वो भी दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। तो हमने पहल शुरू किया है, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि हम दोनों लोग मिल करके जो आपस में नफरत है उसको दूर किया जाए, भाईचारा पैदा करके हम लोग आगे बढ़ा जाए। लेकिन राजनीति की आपने बात की, दो बातें बोल दी, उनको भी जरूरत है, उनकी भी जो राजनीति है बीजेपी के साथ भी है लेकिन साथ भी नहीं है, आप भी अगर यूपी में साथ है साथ भी नहीं है, गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो हम दोनों लोग साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी तो हम दोनों लोग मिल करके महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश जी, जिस तरह से आप देखते हैं यूपी में एक पीला जो झंडा है बुलंद है आपका, गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक आपने जो सुभाषपा है उसको खड़ा कर दिया है, महाराष्ट्र में जहां आपका जो प्रोग्राम हो रहा है, मैदान है, उसको भर दिया है, पीला झंडा हो गया है, आपका एक डायलॉग रहता है, मुहावरा रहता है, पीलिया हो जाता है अगर, तो यहां महाराष्ट्र में आप कैसे देखेंगे? देखिए, पूरे देश में जहां जहां औद्योगिक क्षेत्र है, यूपी और बिहार के ही लोग रोजी रोटी की तलाश में आज के 100 साल पहले कुछ लोग आए, 50 साल पहले आए, कुछ लोग 20 साल पहले आए, 10 साल पहले आए, तो कुछ लोग तो आकर के यहाँ बस गए, कुछ लोग अपनी आज जो जल्दी आए हैं तो यहाँ आकर के जो लोग रह रहे हैं तो वो लोग चाहते हैं कि यहाँ आपस में हम लोग भाईचारा पैदा करके और हम लोग यहाँ अमन चैन से रहें और यहाँ के लोगों के साथ कोई किसी तरह की हमारे उनके बीच में नफरत की खाई न रहे, इस बात को लेकर के लोगों की राय बनी तो आज उसकी झलक एक हमने अपने समर्थकों के बीच में आप लोगों के माध्यम से पेश करने की कोशिश में हूँ।
योगी आदित्यनाथ को आपने एक लेटर सौंपा है जिसमें आपने एक विभाग देने की बात कही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? उन्होंने अस्वीकार कर लिया है, क्या उनका डर है कि अब राजनीति है, अगर लेटर सौंप दिया जाएगा तो हमसे दूर चले जाएंगे, वोट बैंक है, अभी 2019 चुनाव देख रहे हैं। कल तक हमारी ताकत बॉम्बे में कोई नहीं जानता था, हमारी ताकत पंजाब हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी में तो हम लोग भैये हैं। पूरे देश में जो ताकत आपको यहाँ दिख रही है, इतनी ताकत हमारी पंजाब में है, इतनी ताकत दिल्ली में है, इतनी ताकत बिहार में है। इस ताकत को लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो राजनीति के मास्टरमाइंड हैं वो जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या कर रहा है। ये भय तो सता ही रहा है कि बड़ा नुकसान हो सकता है। थैंक यू। देखिए, मैं तो आज यहाँ इस मैदान में जो कार्यक्रम है वो सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पर आज उत्तर भारतीय की तरफ से हम लोग देने का प्रयास करेंगे। रही बात पाकिस्तान को जवाब देने की, तो भारत में एक कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। राजनीति से ऊपर उठ करके देश का समस्त युवा यही चाहता है कि जिसने इतनी बड़ी दुस्साहस किया है और धोखा दे करके 40 जवान जो आज शहीद हुए हैं, ऐसे लोगों को जो भारत देश की क्षति किया गया है, इस देश का 63% नौजवान यही चाह रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तत्काल इस पर फैसला लें। अगर हमारी सेना कम हो रही है तो इस देश का युवा भी तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। उसको भारत के नक्शे से जो सटा हुआ नक्शा उसको अलग हटाना चाहता है। आज यहाँ उत्तर भारतीयों की तरफ हम लोग आए हुए हैं, इनके अंदर भी ऊर्जा देंगे। और संजोग की बात है कि बसंत पंचमी 10 तारीख को था, इस देश में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने एक ऐसा इतिहास कायम किया था मुगलों के समय में कि एक ऐसा पराक्रम दिखाने का प्रयास किया था कि 22.5 दिन के महायुद्ध ने 176 साल का इतिहास लिखा गया था। उसी प्रकार से जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी दुस्साहस दिखाने का कार्य किया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अगर ऊपर देखा जाए तो भारत के युवा इस चीज को चाहते हैं, वही पुराना इतिहास 1009 साल का इतिहास दोबारा दोहराया जाए, ये गद्दार बेईमान किस्म के लोग दोबारा इस भारत देश पर आक्रमण न कर पावे, इसको भारत के नक्शे से अलग कर दिया जाए, उसको विश्व के मैप से हटा दिया जाए, तब जाकर के अमन चैन आने वाला है, थाने वाला है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।